राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में आयोजित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा में जनसैलाब उमड़ रहा है। जिले में पहली बार इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है। दूर दूर के श्रद्धालुओं द्वारा खिलचीपुर में ही डेरा डाल रखा है। कोई अपनी मुरादे लेकर बाबा के दर्शन को बेताब रहा तो कोई सोमवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब ब्यावरा से राजगढ़ होकर खुले वाहन से खिलचीपुर पहुंचे तो रास्ते में श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह फूलों की बरसात कर दी। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री स्वागत को देखकर अभिभूत हो गए। कथा में अपार जनसमूह को देखते हुए राजगढ़, छापीहेड़ा, जीरापुर सहित अकलेरा की ओर से आने वाले तमाम रास्तों पर भारी वाहनों और बसों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। क्या है तो स्वामी जी तुलसीदास जी ने चौपाई को इसलिए लिखा कि जो भगवान की कथा को सुनेगा, जिस प्रकार अग्नि के लाल में मचाया था धमाल, उसी प्रकार भारत का लाल भी करेगा कमाल, जो इस कथा को हनुमान चालीसा को सुनेगा। यही हम राजगढ़ के लोगों को सौंपना चाहते हैं कि आपका लाल भी करेगा कमाल, बस उसको भगवान की कथा सुनाइए और हनुमान जी के चरणों में पहुंचाइए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।